शैक्षणिक व्हिडिओ मध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केया बंठिया माध्यमिक विद्यालय व एनएन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, सुधागड एज्युकेशन सोसायटी केया बंठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल मैं सौ राजेश्वरी दिलीप पाटील सहायक शिक्षिका पद पर कार्यरत। छात्रों, आज हम हिंदी लोकवाणी कक्षा दसवीं पाठ क्रमांक 3 बाहरे हमदर इसे देखेंगे, जिसके लेखक है नरेशम अग्रवाल जी। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। छात्रों, अब हम नरेशम अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म सन 1942 महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ। नरेशम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हाथ से ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त किया है। छात्रों, इस पाठ में लेखक नरेशम अग्रवाल जी ने यह बताया है कि प्राचीन काल से हमारी परंपरा चली आ रही है, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने के लिए चले जाना, जिसके कारण मरीज को आनंद मिल जाता है, उसका ध्यान कुछ समय के लिए दुख दर्द से हट जाता है। पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज को परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंगात्मक निबंध में लेखक ने एक दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोध की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा गिरे। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग गड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद भी इंसानियत कायम है कि सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब हम परिचय में आए हुए नए शब्द और मुहावरे देखेंगे। पूंजीवाद, पूंजीवाद का समर्थन करने वाला। समाजवादी, समाज का समर्थन करने वाले। जोश, उत्साह, आवेश। घृणा, नफरत। टांग अड़ाना, बाधा डालना। उस दिन लेखक साइकिल से आ रहे थे, तब उन पर समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भाषण का काफी प्रभाव था। उस समय सामने से कार आ रही थी, परंतु लेखक पर भाषण का प्रभाव इतना था कि वे साइकिल को जोश से चलाने लगे, मानो विरोधियों की तरह वे एक दूसरे को घृणा की नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी झगड़े में टांग अड़ाई, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना के बाद लेखक को पलभर में लगा कि समाज की इंसानियत। दुर्घटना के बाद कुछ लोग लेखक को मदद करने के लिए दौड़े। पलभर में तो लेखक को लगा कि समाज की इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, जब उन्हें मदद करने के लिए लोग दौड़े, तब वे जान गए कि आज भी समाज की इंसानियत कायम है। तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। एक वीर कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आप होते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं,
एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुक रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। परीक्षण में आए हुए नए शब्द इर्द-गिर्द, आस-पास, परिचित अपरिचित, जाने अनजाने, कराना आगे बढ़ना, मुहावरा, काम उठना, भयभीत होना। जब आंखें खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक के आसपास कई ऐसे जाने अनजाने चेहरे खड़े थे। लेखक के मन में एक उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने जानना चाहा कि मैं कहाँ हूँ। लेखक ने डर भरी आवाज दी। उसी आसपास खड़े हुए एक आदमी ने तेजी से जवाब दिया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका पैर का फ्रैक्चर हुआ है। लेखक ने शायद उसी समय ये जाना कि मेरे होश आने तक ये उनका रहा है। लेखक को लगा कि मेरी एक टांग टूट गई। जब लेखक ने अपने टांगों की ओर देखा तो एक टांग सही सलामत थी तो दूसरी टांग एक रेत के थैली के सहारे स्टैंड पर लटकी हुई थी। उसी समय लेखक के दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही लेखक के मन में न जाने डर क्यों निर्माण हुआ। जानते हो छात्रों, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश के अधिकांश लोग यानी कि गरीब जनता सार्वजनिक अस्पताल पर निर्भर होती है, लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। इन अस्पतालों में कभी मशीनों का लापता होता है, एक्सरे मशीन नहीं होती, तो कभी डॉक्टर गायब होते हैं। डॉक्टर होते हैं तो मरीज को इलाज में तकलीफ होती है। इलाज के स्थान पर कभी कभी मरीजों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। यहाँ तक कि डॉक्टर उपलब्ध है तो दवाइयाँ नहीं मिलती, खास करके महंगी दवाइयाँ उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ती है। दवाइयों के साथ यहाँ अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारियों का जो मरीज के साथ बर्ताव होता है वो भी खराब होता है। ऐसे अस्पतालों में मरीजों का ढंग से इलाज नहीं होता, लोग अस्पतालों में जाने के लिए कतराते हैं। शायद यही एक डर के कारण लेखक के मन में भी सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही एक डर निर्माण हुआ। लेखक को यह घटना नहीं बल्कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना लगा। फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि
हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक को टांग टूटने से ज़्यादा उन लोगों की फिक्र होने लगी जो लोगों को हमदर्दी जताने के लिए मिलने आने वाले लोग थे। ये मिलने जुलने वाले लोग कई बार अधिक आते हैं और इतना ही नहीं, लेखक को परेशान करते हैं। यहाँ मरीज को आराम तो मिलता ही नहीं जिसकी खास जरूरत होती है। जंगल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीजों को निश्चित समय में पर आकर तकलीफ दें। छात्रों, यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है कि प्राइवेट वार्ड में लेखक भर्ती किए गए थे, लेकिन लेखक को मिलने के लिए आने वाले लोग ऐसा एक खुला निमंत्रण था। छात्रों, यहाँ प्राइवेट वार्ड और सार्वजनिक अस्पताल, यहाँ एक अंतर स्पष्ट करेंगे। प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन सार्वजनिक अस्पतालों में सुविधाओं की हमेशा कमी होती है। प्राइवेट वार्ड में मरीज को मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, जिसका एक कारण भी है, यहाँ एक ही मरीज रोगी होता है, इसीलिए वहीं पर उसके रिश्तेदार होते हैं और इन रिश्तेदारों का कभी भी आना जाना होता है। सार्वजनिक अस्पताल के जनरल वार्ड में मात्र ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के रोगी होते हैं, यहाँ अनेक बीमारी रोगी होने के कारण उन्हें तकलीफ हो सकती है। और शायद देखो, यही एक कारण है कि हम सार्वजनिक अस्पताल के जनरल वार्ड में मिलने का जो समय होता है वो निश्चित होता है। उससे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखता तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे खिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरे टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने चार बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा और दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थी रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है।
दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सुनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। तो अस्पताल में सबसे पहले देखने के लिए वे लोग चले गए जिन्हें लेकर काम या और कुछ छूटने पर मिलने के लिए चले गए। लेखक को लगा कि कब इन लोगों को लगा कब इन लोगों को अस्पताल जाने के लिए मिले ताकि वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। लेखक को मालूम है कि ऐसे ही लोगों को जल्दबाजी होती है कि लेखक जल्दबाजी होती है कि लेखक के टांग टूटे और हम उन्हें देखने के लिए चले जाए। दर्द के मारे लेखक को आज नींद नहीं आ रही थी, फिर भी लेखक ने आज तय किया चाहे कोई भी मिलने के लिए चले आए लेकिन आज मैं आंखें नहीं खोलूंगा। लेखक जानते थे कि मरीज को देखने के लिए कम लेकिन दिखावा करने के लिए लोग अधिक आते हैं। हमदर्दी तो नहीं होती, सिर्फ सूरत दिखाने का दावा करते हैं। ऐसे में लेखक ने तय किया था कि चुपचाप पड़ा रहूंगा, लेकिन आज अचानक उनके ऑफिस के एक बड़े बाबू आए और उन्होंने मुझे सोया पड़ा जानकर जगाने की कोशिश की। मैं आंखें नहीं खोल रहा हूँ यह देखते ही उन्होंने मेरी टूटी हुई टांग को दबाना शुरू कर दिया। दर्द के मारे में चीखते हुए जब मैंने आंखें खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? वे अपने फुर्सत से ही आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई नई दुर्घटना होगी। उनके आते ही इशारा करते हुए उन्होंने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, चाचा जी। उनका कुछ अंदाज ऐसा था कि चिड़ियाघर में मानो कोई देखो बंदर हो। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली का डांस करने लगी। रब रब की आवाज ने लेखक का ध्यान बटा। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले से मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए कहा, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। कुछ लोग अस्पताल में औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं, विशेष करके वे लोग जो रिश्तेदार दूसरे गांव से मिलने के लिए आते हैं। मैंने एक दिन टैक्सी के कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी आते ही निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। मैंने एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हैं अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। लेखक के अनुसार कुछ लोग
औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेष करके वे लोग जो दूसरे गांव से आते हैं। एक दिन ऐसे ही हुआ, लेखक के कमरे के सामने अचानक एक टैक्सी आकर रुक गई। उसमें से एक आदमी आया और लेखक की छाती पर उल्टा होकर रोने लगा, कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मेरे दिल ने कहा, मुझे जो हुआ है सो हुआ है, पर ये क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर छाती में मुंह गड़ाए रोता ही रहा और अचानक जब उसने छाती से गर्दन उठाई और मुझसे हाथ मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए कहने लगा, माफ करना भैया, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग भी तो ठीक बताते नहीं कि गुप्ता जी का कमरा शायद बगल वाले बगल में है। अच्छा भाई माफ करो, ये कहकर वो तो चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे तो अपने पत्नी पर अधिक गुस्सा आया, क्योंकि वह बाहर टैक्सी के पैसे दे रही थी। और उसे उस बेचारी को लगा कि शायद वो कोई मेरा पुराना मित्र है और इस तरह से अपने पत्नी पर, इस प्रकार पत्नी ने मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लक्कानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इस संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड की रॉन्ग। ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अभी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक जरूर जानते थे कि हमदर्दी जताने वालों में से कई लोग ऐसे हैं जो लेखक को मिलने के लिए चले आएंगे, लेकिन जिनकी सूरत भी लेखक नहीं देखना चाहते। उनमें से एक ऐसे थे कवि श्री लक्कानंद। इस कवि लक्कानंद ऐसे कवि थे कि इनकी हमेशा जबरन बनाई हुई कविता थी। इन्हें शब्दों को जोड़ तोड़ कर कविता तैयार करना अच्छा लगता था और श्रोताओं की हमेशा तलाश रहती थी, और इसीलिए ये अस्पताल में लेखक को मिलने के लिए चले आए। लेखक को कहने लगे, क्या कहूँ भैया, वैसे तो मैं 4-5 दिन से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था और रात भर तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, और इसीलिए मैंने रात भर जाकर तुम्हारे लिए एक कविता बनाई है। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे ऐसे लेखक की तरफ देख रहे थे कि बोलो भैया अब मेरी कविता कैसी रही। दूसरी आँख पूछ रही कि बोल बेटा अब अभी मुझसे भागेगा। और इस तरह से लेखक ने ना चाहते हुए भी कवि लक्कानंद की कविता सुनी और चाय पिलाकर जैसे वैसे करके उन्हें भगाया। अभी भी लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़ना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना कि ऐसे रिश्तेदार, परिचितों, मित्रों
तो कोई भी मुझसे मिलने ना आए क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द। छात्रों, अब इस स्वाध्याय को अपनी गृह कार्य के नोटबुक में लिख कर पूरा करना है। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत। रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका।